ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका गाना आ रहा है और दिवाली की सबसे पहले आपको दोनों को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और आपको भी ढेर सारी बधाइयां। क्या है आपका प्रोजेक्ट जो आने वाला है, उसके बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही स्पेशल गाना बना है, विच हैज़ अ लॉट ऑफ कमर्शियल वाइब और बहुत ही पेपी नंबर है, जिसका नाम है बजवा शहनाई। बजवा शहनाई का ऑडियो ऑलरेडी आ चुका है ऑन ऑल दी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, और अभी हम एक्साइटेड हैं इसके वीडियो के लिए, क्योंकि सब ने बहुत ही खूबसूरती से काम किया है एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग। जोगिंदर, किस तरह का गाना है ये? गाना एक लाइक एक ये गाना एक लव ट्रिप है, और एक जैसे कोई एक अपने उसमें चला जाता है ड्रीम में, और सो बेसिकली मैं जोगिंदर की ड्रीम में हूँ। सो गाना ये है कि आई एम सीइंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम इन लव विद हिम फॉर द इन द फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, और मैं सब ख्याली पुलाव बना चुकी हूँ अपने सपनों में। और जोगिंदर ऐसा ही है वीडियो में भी, एकदम फुल ऑन टशन एंड एटीट्यूड। जोगिंदर, इससे आपकी शुरुआत है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। तो ये शुरुआत है, एक शुरुआत जो है अनुजा के साथ में सोने पे सुहागा वाली बात है, क्या कहना, कैसा रहा काम करके? इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, ये मल्टी टैलेंटेड है एज ए सिंगर और एक्टिंग में भी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा इनके साथ काम करके। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत, मुझे ही भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जोगी का कैसा है, हम लोग उसको जोगी बोलते हैं, वी आर लाइक जोगिंदर को हम लोग, बहुत मज़ा आता है हम लोग को साथ में काम करके, क्योंकि मैं हमेशा पूछती थी, एक हमारा कॉमन डायलॉग रहता था कि अभी ना हम ऐसा करने वाले, क्योंकि डायरेक्टर सर हमें बोलते थे कि इस शॉट में ऐसे करना है, तो मैं सबसे पहले जाकर जोगिंदर से पूछती थी, मैं ना ऐसे करूँगी तो तुम मुझे ऐसा रिएक्शन दोगे ना, सबसे पहले मैं ऐसे तो कि मैं कैसे करूँ या मैं ऐसे करूँगी, मैं उसी से डिस्कस करती थी जाके। सो आई थिंक ही ऑल्सो वॉज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव, तो इसलिए शायद हम लोग स्मूथली मस्ती में काम हो गया, पता भी नहीं चला। क्या जोगिंदर, ये गाना जो है शादी ब्याह में बजेगा या पार्टी वियर है, क्या है गाना? ये गाना पार्टी वियर भी है, लाइक शादी ब्याह में तो बजेगा ही, बहुत अच्छा है। और म्यूजिक, ये मुझे ऐसा लगता है इस गाने में जो जो रिदम है, जो उमेश जी ने इसको इतना ब्यूटीफुली क्रिएट किया है, उमेश गिरी जी ने, कि मतलब जब मैंने पहली बार ये कॉम्पोजिशन सुनी थी, आई वॉज लाइक कि मेरे को ये गाना गाना है, एंड थैंकफुली कि उन्होंने मुझे गाने दिया ये गाना। आप पार्टी में ज़्यादा अटेंड नहीं करते हैं, बहुत ही छुपे रुस्तम हैं, मतलब चुपचाप गुमसम पार्टी में नहीं जाना, तो क्या क्या कारण है इसका, मतलब प्रोजेक्ट आते हैं बता चुपचाप? नहीं, आज तो पकड़ लिया ना आप लोगों ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई एंजॉय गोइंग टू पार्टीज, आई लव बीइंग इन पार्टीज, मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे साथ शायद थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे अपनी गैंग, अपने फ्रेंड्स, अपना ग्रुप, ऐसा लगता है कि जो मस्ती करूँ सब उन लोग हो साथ में, बट नेवरदलेस काम के लिए टू मीट पीपल, टू हैव अ न्यू यू नो न्यू कनेक्शंस, टू एक्चुअली नो पीपल, आपको जाना तो चाहिए ही, और मैंने अब शुरू कर दिया है। अनुजा जी, जी सब लोग इंजीनियर काम करने के लिए पूरा दिन पूरा मतलब लाइफ कर देता, आप इंजीनियर के काम छोड़ के किस तरह का आप मतलब दिमाग इंजीनियर से इसमें टर्न किया, वो कहानी क्या है छोड़ कर जो आप एल्बम में जो आए हैं बॉलीवुड में? ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी में ना हमेशा रहेगा ही रहेगा, बिकॉज मैंने इतने गाने कर लिए और इतने इंटरव्यूज़ दे दिए, बट ये क्वेश्चन एक कांस्टेंट रहा ही है हमेशा, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन थिंक्स कि इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, एंड मैं जॉब भी कर रही थी इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, फिर कॉरपोरेट लाइफ से सीधा एंटरटेनमेंट लाइन, तो आई थिंक जो ये कलाकार वाला जो कीड़ा, सही बोला आपने, जो कलाकार वाला जो कीड़ा एक बार काटता है ना किसी को, वो ऐसा परमानेंट काटता है ना कि वो जाता नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं बचपन से ही इस लाइन में आना चाहती थी, बचपन से, आई मीन टू से व्हेन आई वाज इन 11th 12th, तब मेरा थोड़ा और फोकस सीरियस हो गया था, मतलब इन स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी ऑलरेडी, बट धीरे बढ़ते बढ़ते आई बिकेम अ लॉट मोर सीरियस अबाउट इट, बट टाइम लगा पढ़ाई करते करते और फोकस डेवलप हो गया और आना तो इधर ही था। कितना मुश्किल है, कितना स्ट्रगल है जोगिंदर आपके लिए? देखो, स्ट्रगल तो है, एक कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे आके आपको काम करना भाग दौड़ तो है, बट ये है कि मुश्किल कुछ नहीं है। आप अनुजा क्या कहना चाहोगे इस बारे में? स्ट्रगल वर्ड से मैं उतना यूज़ नहीं करती ये वर्ड, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी चीज़ है जहाँ पे स्ट्रगल नहीं है,
मेरा हमेशा से मानना रहा है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी जॉनर हो या कोई भी लेवल का आर्टिस्ट हो, अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, जो ग्रो कर रहे हैं वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको आप स्ट्रगल कह रहे हैं, कि उनको एक एक पहचान मिल जाए, एक मकाम बना लें। जिनको पहचान मिल चुकी है वो उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि कहीं उनको रिप्लेस ना कर दिया जाए। जो मतलब हर कोई अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। सो आई थिंक इस बात का कोई मतलब नहीं मेरी नज़रों में। ये मायानगरी है, आप दोनों से बारी बारी जाना चाहेंगे, क्या बनना चाहते हैं, क्या सोच कर आए आप? मैं सोच कर आया एज एन एक्टर, बढ़िया आर्टिस्ट, बस जिंदगी का। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं तो बस बन चुकी हूँ। मैं सिंगर, एक्टर, सब कुछ, मतलब यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री, चाहे वो सिंगिंग प्राइमरीली, एक्टिंग, डांसिंग, सब कुछ करना चाहती हूँ। बिकॉज बेसिकली इसका नटशेल में रीज़न ये है कि मुझे अंदर से खुशी मिलती है, एंड आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम इन द मिडल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो शायद बस यही एक कम्प्लीट आंसर है। अनुजा को, अनुजा सहाय की जो पहचान मिली, क्या थी वो पहचान, पहली कब मिली बॉलीवुड में? सो मेरा पहला गाना जी म्यूज़िक से आया था, जिसका नाम है तलाश खुद की। और वो जब क्रिएट हुआ था गाना, तो वो कहीं ना कहीं इट वाज़ डिस्क्राइबिंग माय ओन जर्नी। उसके लिरिक्स बहुत खूबसूरती से लिखे गए थे, सुधाकर शर्मा जी ने लिखे थे। और मुझे अभी भी याद है कि वो जब गाना लिख कर सामने आया, जब फाइनलाइज हुए उसके लिरिक्स, इट वॉज़ सो रिलेटेबल। मुझे इतना अच्छा लगा वो गाना गा के, बिकॉज आई कुड फील द सॉन्ग, क्योंकि मैं उस गाने को जिंदगी असलियत में जी रही थी। सो आई थिंक दैट वाज द सॉन्ग दैट गेव मी माय रिकॉग्निशन। और कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या क्या हैं आपके, और इसके अलावा ये गाने के अलावा और क्या क्या है अभी? नहीं, हाँ, इस गाने के अलावा मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ नीरज जी के साथ, वेब सीरीज़ कर रहा हूँ एक, और इस गाने के बाद वही अपना कंटिन्यू थिएटर। इजाज़त, एक लाइन गुनगुनाएंगे दोनों जी अपने गाने की, एक लाइन दिया जोगी कहेंगे, मैं तो एक्टर हूँ। चलो आप करो गाने, आप ये आप मैं करेंगे या, या, या जी नहीं नहीं एक लाइन या। तेरी बनूंगी मैं राजकुमारी, ले चल तू मुझको अपने महल अटारी। तेरी बनूंगी मैं राजकुमारी, ले चल तू मुझको अपने महल अटारी। बजवा शहनाई, तो आधा आगे का काम तो हमारे म्यूजिक सर ने कर ही दिया है, म्यूजिक कंपोजर ने। टा 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 ना टा टा ना टा। इसको कहाँ देख सकेंगे? ये गाना अभी ऑडियो रिलीज हो चुका है सब प्लेटफॉर्म्स पे, स्पॉटिफाई, हंगामा गाना, और वीडियो कमिंग वीक में लॉन्च हो रहा है ऑन द 10th of November, बिल्कुल एकदम दिवाली सीजन में। और इसकी जो कोरियोग्राफी है वो यज्ञेश मारू जी ने की है, एंड अमेजिंगली उन्होंने इसको कोरियोग्राफ किया है। सत्येंद्र जी ने इसको बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट किया है, और फैजल सिद्दीकी ने बहुत अच्छा शूट किया है। सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम। मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे जुड़ के, सबके साथ काम करके। और इसी के साथ हमारी एक मूवी भी आ रही है, एंड मुझे बहुत खुश नसीबी फील होती है कि आई वर्क एज ए लीड। फिल्म का नाम है अलबेली, और वो राजस्थान के कालबेलिया डांसर पे आधारित है। हालांकि फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन एक बहुत ही इंटेंस टॉपिक है, रॉ टॉपिक है, और बहुत अच्छा लग रहा है। चाहती हूँ कि हम आर्टिस्ट ग्रो तो होते हैं, और सब हमें कवर भी करने आते हैं। आप सबके लिए मैं बहुत आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से। लेकिन मुझे ग्रो करते हुए जिनके वाइब्रेशंस, जिनका आशीर्वाद हमेशा मिला है, वो हैं पूज्य स्वामी अभिदा नंदा। चिन्मय मिशन ऑफ साउथ अफ्रीका को हेड करते हैं वो, और मैं उनसे तब से जुड़ी थी जब मैं अपना MBA कर रही थी। कुछ साल हो गए इस बात को, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, जिन्होंने जो चाहते तो थे शुरू में नहीं कि मैं इसमें आऊँ, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना सपोर्ट कभी कम नहीं रहने दिया। और उन्होंने एक्चुअली, मेरी मदर ने मुझे स्वामी जी से मिलवाया था, उनका प्रवचन मैंने सुना था। सो आई एम वेरी स्पिरिचुअल, तो मैं अपने हर काम का क्रेडिट स्वामी अभिदानंद जी को देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।